कर्मचारी आज महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो मांगा गया वो था। एरियर्स उनके दिए गए, डीए की किस्तें उनके अदा की गई, मेडिकल रिइंबर्समेंट, और आज ना उनको मेडिकल रिइंबर्समेंट मिल पा रही है ना डीए मिल रही है। यहाँ तक यह है कि समय पर तनख्वाह देने के लाले तो हमने नोटिस दिए हैं, उस पर चर्चा भी निर्धारित हो गई। 130 के अंतर्गत विशेष तौर से जो नोटिस दिया है हमने, बारिश और बरसात के कारण जो नुकसान हुआ है और जानमाल का नुकसान हुआ है अब की बार भी और पिछले साल से, और उस सारी चीज़ को लेकर के चर्चा करने के लिए आज समय निर्धारित हुआ है नियम 130 के अंतर्गत। और इसके साथ साथ में जो और भी मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हमने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, और निश्चित रूप से उन सारे मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कानून व्यवस्था बहुत बड़ा विषय है। कल मॉब लिंचिंग में वहाँ बद्दी में एक चौराहे पर सड़क पर ही पीट पीट करके एक आदमी को, एक लड़के को तो जान से ही मार दिया, और दूसरा जो है वो जिंदगी और मौत के बीच में पीजीआई में एडमिट है, और गिरफ्तारियों भी उसमें बहुत कम अभी तक हुई है। 15 लोग जो वहाँ पर लाठियों और डंडे से पीट रहे थे उनको वो वीडियो देखने लायक नहीं है जिस तरह के हालात बने हैं। और उसके साथ साथ में जो प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और कोई महकमा ऐसा नहीं रह गया जहाँ पर बड़े पैमाने पर व्यापक स्तर पर और कुछ जगह राजनेता, कुछ जगह अधिकारी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जो चिंता का विषय है। और ऐसे सारी बातों को लेकर के बाकी राजनीतिक मुद्दे तो है ही हैं, जो कमिटमेंट्स इन्होंने की थी, जो गारंटी इन्होंने दी थी, उन गारंटियों पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे। एक एक गारंटी से अपने आप ही मुखर गए। हम पहले ही कह चुके थे इस बारे में कि 10 जन्म में भी कांग्रेस इन गारंटियों को पूरा नहीं कर पाएगी। हमारी बात कही हुई गलत नहीं थी, और आज उन्हीं बातों से मुकर रहे हैं। हालात नहीं है, अगर हालात नहीं है तो कमिटमेंट क्यों किए? चुनाव से पहले आप झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करके जो है सत्ता हासिल करने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए कुछ भी बोलते रहो, और उसके बाद सत्ता आ जाती है, कुर्सी आ जाती है, उसके बाद आप मुकरते जाओ कि भाई आज की हालात नहीं है, आर्थिक स्थिति नहीं है। कर्मचारी आज महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो मांगा गया वो दिया गया, एरियर्स उनके दिए गए, डीए की किस्तें उनकी अदा की गई, मेडिकल रिइंबर्समेंट के सारे जो पेंडिंग बिल्स थे उस पे पेमेंट की गई उनको, और आज ना उनको मेडिकल रिइंबर्समेंट मिल पा रही है ना डीए मिल रही है। यहाँ तक के नौबत यहाँ तक आ गई है कि समय पर तनख्वाह देने के लाले पड़ गए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज जो मुख्यमंत्री ने सारी बातों को लेकर के जवाब दो, जो मुख्यमंत्री कहते थे हम कर्मचारी हितैषी हैं, आज ये उनके खिलाफ नारे लगाने वाले कौन लोग हैं, जो सचिवालय के बाहर लगातार पिछले लंबे समय से जो है वो हर रोज वहां पर नारे लगा रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर के। और इसके अलावा बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जिन बातों को लेकर के बात करने की मुझे लगता है कि जो गुंजाइश है उन पर हम बात करेंगे और सरकार को जवाब देना होगा। सर, मुख्यमंत्री ने कहा है कि संसदीय बैठक में विपक्ष नहीं आया, ये गलत परंपरा है, इस तरह की चीजें नहीं। देखिए, अगर उन्होंने ये कहा है तो उन्होंने ये गलत कहा है। सर्वदलीय बैठकें पहले भी हुई है कई बार, एक बार नहीं अनेकों बार वो नहीं आए, और कल जो खासतौर से जो परिस्थिति बस नहीं आना हो पाया तो हम उसी तक ही सीमित थे। लेकिन अगर परंपराओं का जिक्र कर रहे हैं, परंपराओं की धज्जियां तो आप लोगों ने उड़ाई है, कांग्रेस ने उड़ाई है, इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट रहे सरकार के। और मुझे इस बात को लेकर के, हम विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में सम्मान रखते हैं उनके प्रति, लेकिन एक बात, विधानसभा के अंदर अध्यक्ष महोदय जो कहें, जिस तरह का निर्णय करें, उस पर हम बहुत ज्यादा नहीं बोलते, वो बात वहीं खत्म होनी चाहिए, और खत्म होती भी है, और हमने खत्म की भी। लेकिन विधानसभा के बाहर जा करके सार्वजनिक कार्यक्रम में अपने कुलीग्स के बारे में, अपने सहयोगी विधायकों के बारे में कहें कि 6 के सर कलम हो गए और 3 के आरी के नीचे है,
इसके लिए अध्यक्ष महोदय को माफी मांगनी चाहिए। ठाकुर साहब, पहली बार ऐसा हो रहा है कि बैठकें बढ़ाकर जो है वो 10 कर दी गई हैं, किस तरीके से देखते हैं आपकी जो ये बड़े हुए दिन है उसमें ज्यादा समय मिल पाएगा विपक्ष को सत्ता पक्ष को घेरने? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जितना लंबा सत्र होता है विपक्ष को अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे। थैंक यू सर।